Hi everyone. I've been here except for sunscreen. I want to show you guys. Please यहाँ पे 2 मिनट लगा दीजिए. Hi everyone. Welcome back. Hope you guys are doing great. और मैं हो गई हूँ थोड़ी सी लेट, तो मेरी अपॉइंटमेंट 4 बजे की थी एंड अभी 3:45 हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पहुँचने में. तो अभी मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ. मैं जस्ट घर से ऐसे ही बाहर निकली हूँ, मैंने मुंह पे कुछ लगाया भी नहीं एक्सेप्ट फॉर सनस्क्रीन. तो मैंने अपनी स्किन तो आपको कल दिखाई दी होगी एंड अभी फिर से दिखा देती हूँ. सो अभी मुझे पता नहीं है दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, बट स्टिल अब मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ क्योंकि मुझे सब देख रहे हैं कि कर क्या रही है गाड़ी में बैठे बैठे. सो लेट मी गो एंड आई विल अपडेट. आई वॉन्ट टू शो यू गाइज माई स्किन, क्योंकि सुनना थोड़ा सा इधर लगा दो एक सेकेंड प्लीज, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ प्लीज. अभी कल मैं आ रही हूँ फिर से यहाँ अपने मेरी अपॉइंटमेंट है. प्लीज यहाँ पे 2 मिनट लगा दीजिए. राइट, जस्ट बस 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 राइट. सो गाइज मैं आपको अपनी स्किन दिखाना चाहती हूँ एंड मेरे थोड़े से अच्छे लगे. तो हाँ एग्जैक्टली, तो मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी स्किन दिखाना चाहती हूँ जो कि थोड़े मेरे मार्क्स हो चुके हैं. और मेरी अपॉइंटमेंट है कल की, मतलब मैं मुझे पता है कि ये थोड़ी देर के बाद ये चले जाएंगे, बट स्टिल आई वॉन्ट कि ये जल्दी 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 चले जाए क्योंकि मेरे में पेशेंस अब बची नहीं है बिल्कुल भी. सो बाय. दिख रहे हैं मार्क्स ये एंड यहाँ पे थोड़े से हार्मोनल एक्ने की वजह से जो मार्क्स मुझे हो चुके हैं वो मैंने कल अपनी 4:30 की अपॉइंटमेंट है पारुल मैम के साथ, तो मैं कल जाके सारे दिखाऊंगी. कल आप लोगों को मेरे साथ अकेले ही आना पड़ेगा क्योंकि सम्राट महाजन जो हैं ये नहीं होंगे हमारे पास, ये होंगे एग्जैक्टली मंडे, ये बहुत बिजी होते हैं. तो ये अभी आपको फिर मेरे साथ कल अकेले ही चलना पड़ेगा मेरा मुखड़ा जो है उसको ठीक करवाने. जब हम आ रहे थे ना तो हमें रास्ते में जामुन दिखे, मैं दिखाती हूँ. तो हमें जामुन दिखे थे जो कि हमने 1 किलो के करीब ले लिए थे और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं. ये स्किन के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है और भी बहुत कुछ, गम्स भी अच्छे रखता है. सबसे ज़्यादा रीज़न तो मेरा यही था कि स्किन के लिए अच्छा होता है,
बाकी ये बेनिफिट्स जो हैं आप गूगल कर सकते हो क्योंकि मैंने भी गूगल ही किए हैं। पापा पे प्रैंक किया वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आजकल मम्मा भी बहुत शौकीन हो गई हैं प्रैंक्स करने की। तो एनीवेज प्रिस्क्रिप्शन मेरे हाथ में है। अभी जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था वो किया था कार्बन फेशियल कह लो या कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। तो उसमें मैंने आप लोगों को प्रोसेस थोड़ा बहुत तो बता ही दिया होगा। एंड अगर आप लोगों को पूरा प्रोसेस जानना है या फिर प्राइसेस के बारे में जानना है या कुछ भी है, आप लोग उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप विज़िट कर सकते हो, सब कुछ अपने हिसाब से पूछ सकते हो। देन इसके बाद मुझे 20 डेज़ के बाद फिर से जाना है। ये जो मेरे मार्क्स होंगे इन पे अभी लेज़र से ये मार्क्स कम किए जाएंगे। और मुझे पता है मैं कह रही थी कि मेरे पेशेंस नहीं है, बट स्टिल 2-3 महीने का मुझे लगता है मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। और मुझे इफ़ेक्ट अभी भी दिख रहा है बहुत हद तक। पहली बार तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई ये ट्रीटमेंट करवाया है। मैं नॉर्मल सैलून में भी अगर मैं जाऊँ मैं ना क्लीनअप करवाती हूँ ना मैं कोई फेशियल करवाती थी, कुछ भी नहीं। तो मैंने अपने दिमाग में ना ये बहुत पहले से सोच के रखा हुआ था कि अगर मैं कुछ भी करवाऊँगी तो वो सबसे पहले जो होगा वो प्रोफेशनली होगा जो भी है। लाइक आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने नॉर्मल किसी सैलून में जाके भी इतने पैसे खर्च नहीं हैं तो इससे अच्छा आप किसी प्रोफेशनल किसी के पास जाओ और उनसे ये चीज़ मतलब कंसल्टेशन करो कि क्या आपके फेस के लिए बेस्ट है। तो हाँ,